मैंने कुछ नहीं किया। अरे सूरज देखो कैसे भाग रहा है। कितना मजेदार है ना, तेरे साथ वीडियो निकालते हैं। नहीं मैं मामा कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। यार सुरेश सर ने अब तक नहीं बताया कि हम किस केस के लिए गोवा आए हैं। आज सुबह भी बात हुई इनसे, बोल रहे कोई सीक्रेट असाइनमेंट है। सीक्रेट असाइनमेंट? हाय आई एम गिरीश, एसीपी विक्रांत। आदित्य शर्मा, गिरीश। ओह माय गॉड, Long time. अच्छा तो आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? Yes, actually, academy में ये मेरी junior थी। चाहती तो IAS बन सकती थी, लेकिन उन्होंने IPS चुना। Good to see you, ASP आदित्य शर्मा। Same यार। और तुम यहाँ के collector कब से बन गए? बस अभी recently posting हुई है मेरी। आप दोनों का catching up हो गया हो तो case के बारे में जान सकते हैं? Yes, of course. Actually, matter बहुत sensitive था, तो मैंने सोचा कि पहले बताऊं या नहीं बताऊं। That's perfectly fine. ऐसी चीजों को confidentially रखना चाहिए। पास ही किसी कपल ने शूट किया ये वीडियो, ये वायरल हो रहा है। लोकल्स, टूरिस्ट सब परेशान हो रहे हैं। पता नहीं संजय किससे भाग रहा है और कैसे मरा। इट्स ऑल स्ट्रेंज। अगर वीडियो वायरल हो रहा है तो ये केस सीक्रेट कैसे हुआ? एक्चुअली हम इसे सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी हो रहा है। वैम्पायर आजकल कुछ भी छाप देते हैं पेपर वाले। क्राइम सीन के फोटो सर? ओह यस। मुझे लगता है सांप के काटने से हुआ है। सांप के काटने से भी बिल्कुल ऐसे ही निशान बनते हैं। और आपने जो वीडियो दिखाई उसमें ठीक तरह से जमीन भी नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि जमीन पर सांप हो और वो सांप से भाग रहा हो। व्हाट डू यू से आदित्य? मैं उन मार्क्स को देखना चाहूंगी। श्योर। काफी हद तक स्नेक बाइट्स तो लग रहे हैं, लेकिन पंक्चर मार्क्स में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। बिल्कुल डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए कह रही हूं कि स्नेक बाइट नहीं हो सकती। ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाओ। जी सर। विक्टिम की बॉडी में किसी भी प्रकार के स्नेक विनम के ट्रेसेस नहीं है, तो ये स्नेक बाइट वाली थ्योरी भी अब गलत साबित हो चुकी है। एनिमल एक्सपर्ट को बुलाओ जल्दी, अब वही बता पाएंगे कि ये निशान किसी जानवर के है भी या नहीं। चलिए सर। तब तक क्राइम सीन की लोकेशन पर चलते हैं। थैंक यू सर। संजय की लाश यही से बरामद हुई थी, और वीडियो के हिसाब से वो
वहाँ कहीं से भागकर यहाँ पर आया और डायरेक्टली उसकी लाश यहाँ पर मिली। रिकॉर्ड करने वाला काफ़ी दूर रह गया था, इसलिए एग्जैक्टली संजय को किसने मारा है रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस भी है बीच में। चलो फिर यहीं पे लोगों से पूछते हैं। कल रात को यहाँ पर एक 17 साल के लड़के की लाश पड़ी हुई मिली थी, आपने कुछ देखा? नहीं साहब, सुबह आया तभी पता चला। सुबह आए मतलब कहाँ से आए? ये झोपड़ी तो आप ही के है ना? हाँ साहब, ये झोपड़ा तो हमारा ही है, लेकिन साहब जब आते हैं तो हम पूरा दिन भर ये तो मच्छी सुखाने का काम करते हैं। शाम होने से पहले मतलब ये सब मच्छी अंदर रखते हैं और रात होने से पहले से निकल जाते हैं सर। किसी भी पहचान वाले ने कुछ सुना हो, देखा हो, किसी ने कुछ नहीं बोला? एक मिनट सर, चल भाग, अरे चोरी कर रहा है। विक्रांत कहाँ जा रहे हो? ए सुन, इधर आ। अरे ए, अबे रुक, कहाँ भाग रहे? अबे रुक साले। रुक, कहाँ भाग रहे? उठ, क्यों भागा? नहीं साहब, मैं गलत आदमी नहीं है साहब। हाँ, वो बीच पे सामान रहता ना साहब, कबाड़ मैं उठा के बेच देता हूँ, इसलिए डर गया था साहब। और तुम इतना भगाया मेरे को? हाँ, ये लो मच्छी साहब, माफ करो, मैं जाने दो साहब, गरीब आदमी हूँ मैं। अच्छा सुन, देख सब सच सच बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, क्या पर बीच पर ही रहता है तू? हाँ साहब। कल रात को वहाँ उस झोपड़े के पीछे एक 17 साल के लड़के का मर्डर हुआ था, कुछ देखा तूने? देखा साहब, वो एक लड़का इधर से भाग के वो उधर झोपड़ा है ना साहब उधर। हाँ वो मैंने भी देखा, आगे क्या? फिर मैं भी पीछे पीछे भागा साहब, मैं वहाँ पहुँचा तो वो जमीन पे गिरा पड़ा था। और ठीक से वहाँ कोई तो था साहब, काला साया, लंबे बाल। शक्ल देखी तूने उसकी? नहीं साहब, अंधेरा था। उसके बाद साहब वो पता नहीं कहाँ अचानक एकदम से गायब हो गया साहब, बब्बा साहब और कुछ नहीं मालूम था। अब जाने दो, गरीब आदमी है साहब। जा। तो अब क्या कहना है? अब क्या कहना है, 100 रुपए बर्बाद हो गए मेरे, वैसे भी बेवड़ा था, मुंह से देसी दारू की बात आ रही थी, पता नहीं क्या बकरा था, लंबे बाल, काला साया, बुरी को देख लिया होगा आईने में। तुम्हें क्या लग रहा है? I'm not sure, पर क्या पता वो सच बोल रहा है। एम्पायर, सीरियसली, तुम्हारी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। I know ये अभी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, पर क्या पता वो सच में वैम्पायर अटैक हो। उन मार्क्स को नहीं देखा था तुमने? उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही था जितना कि एक इंसान के कनाइन दांतों के बीच में होता है। और बॉडी में ब्लड लॉस भी था। एक मिनट अदिति, ये वैम्पायर एक विदेशी लेजेंड है, उसे वहीं पे रहने दो, इंडिया तक घसीट कर मत लाओ। और रही बात खून चूसने की, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे भ्रष्ट लोग हैं, हमें वैम्पायर की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी सॉरी, नो ऑफेंस, मेरा रेफरेंस तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कलेक्टर गिरीश से नहीं था। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इंटरेस्ट किस में है, गिरीश में या उस वैम्पायर में, इतना अपसेट क्यों हो रही हो? मेरा बेटा संजय बहुत ही अच्छा लड़का था, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं थी, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों उसके साथ ऐसा हुआ।
आप प्लीज अपने आप को संभालिए। इफ इट्स ओके, क्या हम संजय का रूम देख सकते हैं? ये संजय क्या? जी आप लोग यहीं रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जी लकी मी, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हो? किसी के भी लैपटॉप या फोन से उनके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, खास करके अगर वो टीनेजर हो। अरे एक सेल्फी दे, ये दे तो। अंदर देखना तेरा क्या जा रहा है। प्लीज मुझे जाने दो। अरे तुझे जाने देंगे यार, इतनी जल्दी क्या फोटो खींचना? मुझे जाने दो प्लीज। ये है इनका सुशील बेटा, इसकी माँ को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। संजय तो अभी नहीं रहा, लेकिन इन दो लड़कों को ढूंढकर चरित्र पुनर्निर्माण में इनको एक क्रैश कोर्स देना पड़ेगा। तुमसे पहले मैं इन्हें तमीज सिखाना चाहती हूँ, ब्लडी इडियट्स। संजय वो तो बहुत फियरलेस टाइप का था और फनी भी था। सर संजय तो डेयरिंग और एडवेंचरस टाइप का था। रात को हम लोग जब बाइक में स्टंट करते थे तब भी वो उसमें चैंपियन था। बाइक स्टंट में चैंपियन 17 साल की उम्र में? इस लड़की को देखा? नहीं सर। और इन दो लड़कों को? नहीं सर, इनको भी नहीं जानता। ठीक से देखो। सर नहीं जानता। संजय बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। आई एम शॉक टू हियर अबाउट हिज डेथ। और भी कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है। ये दो लड़के इसी कॉलेज से? डेफिनेटली, दीज बॉयज आर नॉट फ्रॉम आवर कॉलेज। और ये लड़की? ये स्वाति। यस यस ऑफ कोर्स, शी इज स्वाति नारायणन। ये इसी कॉलेज में पढ़ती है? पढ़ती थी, कुछ ही महीनों पहले उसने सुसाइड कर लिया था। बहुत मिस्टीरियस डेथ थी उसकी। शी वाज सच अ स्मार्ट गर्ल, यू नो, हम सबको तो बहुत ही बड़ा शॉक लगा था। पता नहीं कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं आजकल के बच्चों के बीच, इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप, अनइमेजिनेबल। स्वाति और संजय एक ही क्लास में पढ़ते थे? दोस्ती थी उन? ना ना, लेकिन हाँ, स्वाति के सुसाइड करने से कुछ दिन पहले उसके फादर हमारे कॉलेज आए थे और उनकी अनबन भी हुई थी संजय के साथ। मामला इतना बढ़ गया कि हमारी सिक्योरिटी को उन्हें लिटरली कैंपस से बाहर एस्कॉर्ट करना पड़ा। एनीवेज, स्वाति और संजय के मौत में कोई कनेक्शन है क्या? वही तो हम पता लगा रहे। बाय द वे, रिकॉर्ड से हमें स्वाति के घर का एड्रेस मिल सकता है? ठीक है, जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे आप विक्रांत को फोन करके बताओ। थैंक यू। क्या बोला इंस्पेक्टर? उन्हें अभी तक पता नहीं चला वीडियो में संजय के साथ दोनों कौन। जी आप कौन? मुंबई पुलिस। एएसपी आदित्य एंड एसीपी विक्रांत। हम अंदर आ सकते हैं? कुछ बात करनी थी स्वाति के बारे में। आइए। आप लोग बैठिए, मैं कुछ चाय बनी। नहीं नहीं ठीक है,
हम एक्चुअली स्वाति के बाबा से बात करना चाहते हैं। वो घर पे हैं? मेरे पति स्वाति के फादर हार्ट अटैक से गुजर चुके हैं। स्वाति के जाने के बाद एक महीने में ही उनकी डेथ हो गई। स्वाति की मौत वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। I'm sorry, हमें पता नहीं था। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। एक समय ऐसा था जो मेरे पास सब कुछ था, एक प्यारी सी बच्ची, अच्छे से पति, फिर अचानक रातों रात सब चला गया। आप बैठिए ना जी। बताइए कैसे आना हुआ जी। हमें स्वाति की रैगिंग के बारे में पता चला। उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। चलो, किसी ने तो मेरी बेटी का दुख समझा, वरना लोकल पुलिस ने तो हमारी बात पर यकीन ही नहीं किया, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। हम आखिर तक लड़ते रहे लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। आई नो आपके लिए मुश्किल रहा होगा, मगर स्वाति इसे कैसे हैंडल कर रही थी? स्वाति बहुत बहादुर बच्ची थी, कभी हार मानने वालों में से नहीं थी वो, लेकिन थी तो बच्ची ही ना, कब तक सहती। उसने अपने पापा से संजय की शिकायत लगाई थी, बस खून खौल उठा था इनका। उन्होंने जाके संजय को कन्फ्रंट भी किया, पुलिस की धमकी तक दी, लेकिन वो 17 साल का लड़का एक नंबर का गुंडा है, किसी बात का खौफ ही नहीं है उसे। कॉलेज अथॉरिटीज ने भी इन्हीं की गलती मानी। मुझे बताओ, कोई भी पिता इनकी जगह में होता तो गुस्से में अपना आपा नहीं खो बैठता। बस इसी बात का फायदा उस संजय ने उठाया, लगातार मेरी बेटी को परेशान करता रहा। उस समय जी कर रहा था कि मैं उसे लेकिन मैं क्या कर सकती थी। बस मेरी बच्ची आखिर तक लड़ती रही और फिर हार गई। लेकिन मैं नहीं रोऊंगी, इसी दुख के साथ मुझे जीना है। पार्वती जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं, मगर एक और बात बतानी थी आपको। संजय मर चुका है। मर गया? कैसे? मैं तो चाहती थी कि उसे जेल हो, सजा मिले उसे। खैर, उसे अपने कर्मों का फल मिल गया। मेरी बेटी उसी की वजह से मरी है। न जाने और किन किन लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की होगी, उन्हीं की हाय लगी है। उन्हीं की हाय लगी। स्वाति के रैगिंग वीडियो में संजय के अलावा दो और लड़के भी हैं। आप जानती है उन्हें? नहीं। ठीक है, अगर हमें कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको। आप ठीक तो हैं? जरा सी भी हवा चलती है ना तो अक्सर ऐसे हो जाता है। क्या हो? बॉनेट खोल के देखना पड़ेगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अपनी गाड़ी लानी चाहिए थी। मौसम और खराब हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। आप लोग चाहे तो अंदर वेट कर सकते हैं। नहीं, थैंक यू, मैं दूसरी गाड़ी का इंतजाम करवाता हूँ। आप लोग अगर बुरा ना माने तो मैं अंदर जा सकती हूँ, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सिर बहुत दर्द कर रहा है।
आप लोग अंदर वेट कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, यू प्लीज गो अहेड, विल मैन। थैंक यू। हेलो गिरीश, हाँ हमारी गाड़ी यहाँ पे बंद पड़ गई है, हाँ आप जरा दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर सकते हैं? जी जी, मैं एड्रेस भेज देता हूँ। हाँ आदिति भी यही है। ओके थैंक यू। गिरीश को बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी, चलो गाड़ी में वेट करते। आधा घंटा हो गया अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं आई, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम ही कॉल कर दो, 5 मिनट के अंदर खुद कलेक्टर साहब ही आ जाएंगे पिकअप करने। हेलो, हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? अरे मुझे सुनाई दे रही है, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज, आपको सुनाई दे रही है? हेलो आदिति, रिलैक्स, चिल, क्या हुआ? विक्रांत, क्या तुम इन्हें देख सकते हो? ऑफ कोर्स, क्यों? अम्मा अंदर जाइए, जाइए जाइए। सॉरी, मेरी सास की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ भी बड़बड़ाती है, आप प्लीज इन्हें इग्नोर कीजिए। सर वो बाहर गाड़ी आ गई है। थैंक गॉड गाड़ी आ गई, हम चलते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थैंक यू। विक्रांत, हम किसी विदेशी लेजेंड की बात नहीं कर रहे, पार्वती की अम्मा ने कहा रक्त काटेरी, दैट्स इट। संजय की मौत भी उसी की वजह से हुई है। रक्त क्या? अरे हिंदुस्तानी वर्जन ऑफ वैम्पायर, तमिलनाडु की लेजेंड है, करीब करीब 50 साल बाद ये सब वापस हो रहा है। और क्या है ये लेजेंड? इसमें तो लिखा है कि 50 साल पहले तमिलनाडु के जंगल में कुछ लोग मरे हुए मिले, कम्प्लीटली अजीब हालत, उनकी बॉडी पे एक कतरा खून भी नहीं था। वहाँ के लोगों ने कहा कि इन्हें रक्त काटेरी मार कर गई है, 50 साल बाद लौटी, और देखो अब शायद वही वापस आ गई है। विक्रांत गाड़ी रोको। क्या हुआ? यहाँ पे कोई था विक्रांत? किसी को देखा मैंने यहाँ पे? हाँ मतलब कहाँ गया?
पता नहीं किसी का काला साया था, मैंने देखा उसे, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बहुत चीजें दिखती है, कोई नहीं है यहाँ पे, चलो चलो चलो। नितिन, नितिन, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? अब तो एनिमल एक्सपर्ट ने भी कह दिया कि संजय की बॉडी पे जो मार्क्स मिले हैं वो किसी जानवर के नहीं है। अब क्या कहना है? पुलिंदा केस किसी इंसान ने बहुत ही इंटेलिजेंटली संजय को मारा है, लेकिन घाव तो काफी गहरे हैं, वो किसी इंसान के किए हुए नहीं लग रहे। मुझे तो लगता है ये रत्त कटेरी ने ही किया है। दो और भी लड़के थे, उन पर कोई हमला क्यों नहीं हुआ? हेलो, नितिन, क्या हुआ बेटा? बेटा उठ, उठ बेटा। सर, इस लड़के की मौत बिल्कुल उसी तरह हुई जैसे कुछ दिन पहले संजय की हुई थी। उम्र लगभग सेम है सर। कलेक्टर साहब ने आप दोनों को ये बात बताने के लिए कहा था, इसलिए। नाम क्या है इसका? सर नितिन। ये तो उसी वीडियो में से दूसरा लड़का लग रहा है। नितिन के पास और फिर उसे मां के गायब हो गए। मेरा बच्चा। नितिन की मां ने भी वही कहा जो बीच पे उस आदमी ने कहा था। दोनों ने एक ही चीज डिस्क्राइब की। I'm telling you, ये आदिति भी रियलिस्टिक, शायद कोई सीरियल किलर है जो इन लड़कों को टारगेट कर रहा है। विक्रांत, हो सकता है। ओके प्लीज, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है किलर इंसान है या कोई प्रेत आत्मा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये सब बंद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। जनता मुझसे जवाब मांग रही है, मुझे जवाब देने पड़ते हैं। मीडिया ने मुझे परेशान करके रखा है। कुछ भी करके प्लीज आप इस किलर को ढूंढिए। इट्स इम्पोर्टेंट कि ये केस क्लोज हो। गिरीश, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे बहुत जल्दी। अदिति, दो मर्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तीसरा बंदा, और कुछ हो ना हो इस सब का कनेक्शन इस वीडियो के साथ जरूर है। पहले संजय, फिर नितिन, अगला विक्टिम वो तीसरा लड़का हो सकता है। एक्सक्यूज मी, हाँ अजीत। अच्छा सुन, संजय की तरह इस नितिन का भी बैकग्राउंड चेक करवा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, किससे मिलता था, किससे नहीं मिलता था, सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। शायद इसके रिकॉर्ड से उस तीसरे लड़के के बारे में कोई लीड मिले। मुझे उस तक पहुंचना है जल्द से जल्द। कुछ दिनों से गोपाल बहुत डरा डरा सा रहने लगा, पता नहीं उसे क्या हो गया। बात करती हूँ तो सीधे मुँह बात नहीं करता है, खाना देती हूँ तो सर वो खाना भी नहीं खाता। सर आप खुद ही देख लीजिए। गोपाल, गोपाल बेटा, कौन कौन क्या हुआ? देखा सर आपने, दरवाजे की आवाज से भी कितना डर जाता है। शायद मुझे पता है इसकी डरने की वजह क्या है। स्वाति कहाँ है? स्वाति
मुझे मार देगी माँ, मुझे मार देगी। संजय और नितिन की तरह? मगर मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया संजय और नितिन ने किया, कोई उसे बुली करते थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। यही तो तेरा गुनाह है कि तूने कुछ नहीं किया, संजय और नितिन को रोका नहीं, इसीलिए स्वाति ने सुसाइड किया। आई नो, आई नो, स्वाति वापस आ गई, उसी ने मेरे दोस्तों को मारा, वो मुझे भी मार दे, तो प्लीज बचा लीजिए, प्लीज मेरे अर्पी जी, वो मुझे मार देगी। चुप करो, खुशी मत बोलो। देखिए प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, प्लीज मैं आप लोगों के हाथ जोड़ दी, मेरा बेटा वैसे बहुत डरा हुआ है, उसे और मत डराइए, प्लीज प्लीज चले जाइए यहाँ से। अभी तो हम जा रहे हैं मैम, लेकिन इसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलकर रहे। विक्रांत आई थिंक हमें स्वाति के घर फिर से जाना चाहिए, दोनों डेथ्स के लिंक उसी से जुड़े, रक्त कटेरी के बारे में भी हमें वहीं से पता चला, वहीं से हमें और भी जवाब मिल सकते हैं अगर हम क्लोजली देखें तो। ठीक है, और क्या पूछना चाह रहे थे आप? मेरी तरफ से जो भी मदद चाहिए मुझे बता दीजिए। जी हम वो स्वाति के बारे में, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे वॉशरूम होगा ना? अब यहाँ पे अंदर वो अम्मा जी का कमरा है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है फिर ये इस कमरे में होगी ना? लेकिन बस एक मिनट में आए। पढ़ाई में तो अव्वल आती थी, स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि रखती थी, वो जो कुछ भी करती थी बड़ी शिद्दत से करती थी, पूरे दिन घर में उछल कूद मन लगा रहता था उसका। ये होममेड सॉस है, अम्मा को डायबिटीज है ना, मैंने बनाया। मैं अम्मा जी से बात कर सकती हूँ? सॉरी वो किसी से बात नहीं करती, मैंने आपसे कहा था ना उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, हमें नहीं लगता हमें उन्हें परेशान करना चाहिए। दरअसल अम्मा की भी उम्र हो गई ना, तो इसलिए आधी चीज़ें याद रहती हैं आधी नहीं, कभी कभार वो नहीं, मुझे नहीं, भी भूल। एक्चुअली उस दिन अम्मा कुछ रक्त काटेरी के बारे में कुछ बात कर रही थी ना। अब मुझे याद आ गया, मुझे ज़रूरी काम है, आप लोग को निकलना पड़ेगा। अब सॉरी मैं आपकी मदद कर सकती थी लेकिन फिर कभी। आदिति, हेलो, विक्रांत वहां किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। हाँ तो नाम होते ही इसलिए है। मजाक नहीं कर रही हो, वहां किसी औरत की आवाज सुनी मैंने, जब पीछे मुड़कर देखा मैंने तो कोई नहीं था। रक्त कटेरी की भी यही फितरत होती है, पहले वो आपको आपके नाम से पुकारती है और फिर मारती है। आई एम टेलिंग यू
उस घर में कुछ तो अजीब है। हाँ अजीब तो है, इतने बड़े बाथरूम में एक भी आईना नहीं था। इनफैक्ट उस घर के सारे मिरर्स अजीब तरीके से ढके हुए थे, कुछ न्यूज़पेपर से, कुछ पर्दों से। इट वाज क्वाइट स्ट्रेंज। रक्त कटेरे भी आईने से नफरत करते। अब ये कौन सी नई कहानी है? कहानी नहीं है, बहुत सारी थ्योरीज है उनके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि वो आईने में देख नहीं सकते, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपना रक्त कटेरी वाला रूप खुद देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो आईने से नफरत करते हैं। और शायद पार्वती भी केचप बॉटल में ब्लड स्टॉक करके रख रही है। विक्रांत डेफिनेटली उस घर में एक रक्त कटेरी है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? रिलैक्स, डोंट वरी, पकड़ लेंगे यार उसको, चाहे वो तुम्हारी रक्त कटेरी ही क्यों ना हो। विक्रांत, व्हाट इफ गोपाल सच बोल रहा? अगर स्वाति सच में बदला लेने आई हो तो? गोपाल, किसी को घर में अंदर मत आने देना। हाँ बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। जल्दी आना माँ। बेटा अगर जरूरी काम नहीं होता तो नहीं जाती, है ना? अपना ध्यान रखना और दरवाजा बंद करके रखो। हाँ गोपाल। कौन है, कौन है यहाँ पे? कौन है, कौन है? गोपाल, तुम्हारा खेल खत्म। पार्वती जी, ले चलो। सर, इसे छोड़ेगा मत, प्लीज इसे मत छोड़ना। तुम्हें पता है इसने क्या किया है? इसकी वजह से आज मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। मेरी बेटी आज इसी की वजह से मरी है। मेरे पति शौक से मर गए और तुम कह रही हो ये बेकसूर है? ये बच्चा नहीं, हैवान है, हैवान। मैं इसे मारकर ही रहूंगी, छोड़ो मुझे। संजय और नितिन को मारकर मुझे जो तसल्ली मिली है ना, मुझे आज भी वही तसल्ली चाहिए। हाँ मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इसे मारकर अपनी बेटी की मौत का बदला मैं जरूर लूंगी। मार दूंगी मैं इसे मार कर ही रहूंगी। पुलिस के सामने किसी को मारने की बात कर रही हो? ऑलरेडी दो लोगों को मार चुकी हो, नितिन और संजय, और कबूल भी किया है तुमने। हाँ मारा है उन दोनों को, मैंने ही मारा है अपने हाथों से। ये औजार मैंने ही बनाए हैं। आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, और डरिए मत, ये भी नहीं बचेगा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और हैरेसमेंट के केस में ये भी अंदर जाएगा। चल बेटा, तेरी किए की सजा भुगतने का टाइम आ गया। सर, आपने डील की थी ना कि अगर हम आपकी मदद करेंगे इन्हें पकड़वाने में तो अपने बेटे को छोड़ दोगे। कोई डील विल नहीं है, गुनाह किया इसने, सजा तो मिलेगी। चलो पाल। विक्रम, मैंने बाहर किसी को गोपाल कहते हुए सुना। गोपाल, मेरा बदला पूरा हो गया, मेरी स्वाति ने अपना बदला पूरा कर लिया।
मुझे नहीं पता मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरे सर पर इस केस का बहुत टेंशन था, पर आपने किलर को पकड़वा कर मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। वैसे आपको पता कैसे चला कि पार्वती ही किलर है? जब हमने पार्वती को संजय की मौत के बारे में बताया, उसे जरा भी शॉक नहीं लगा। ये वही संजय था जिसने उसकी पूरी फैमिली को खराब कर दिया था। मर गया? कैसे? मैं तो चाहती थी कि उसे जेल हो, लेकिन उसकी मौत से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। That was the first time मुझे पार्वती पे शक आया। और नितिन की माँ ने उसकी स्टेटमेंट में बताया कि नितिन की लाश के पास उसे एक औरत का साया दिखा था। फिर जब मैं पार्वती के घर गया, उसकी दीवार पर काफी सर्टिफिकेट्स थे जिसमें मुझे उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री दिखी। शी इज क्वाइट एन एजुकेटेड वुमन, ऐसे औजार बनाना उसके लिए तो काफी सिंपल बात है। उसके बाद हमने गोपाल और उसकी माँ को झूठा दिलासा दिया कि हम गोपाल को छोड़ देंगे अगर वो पार्वती को पकड़वाने में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही। थैंक यू विक्रांत, मुंबई पुलिस इज ऑलवेज एट योर सर्विस, बट आई होप दोबारा हमें बुलाने की नौबत ही ना आए। थैंक यू अदिति। आई एम सॉरी कि गोपाल के मर्डर के बारे में हम लोग क्लूलेस है, क्योंकि कुछ चीजें आज भी इंसान की समझ के परे हैं। बाय। बेचारी, गिरीश के साथ तुम्हें सेकंड चांस मिला लेकिन तुमने उसे भी फुस कर दिया। अभी मौका है, जाना है तो वापस जा सकती हो। नो थैंक्स, मैं तुम्हारे साथ ही ठीक हूं। अजीब किस इसको सॉल्व करने में। अच्छा बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है गोपाल की डेथ कैसे हुई? मुझे तो लगता है ये रक्त कटेरी ही थी। काश इसका जवाब मेरे पास होता, लेकिन कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती है, इंक्लूडिंग मी। रक्त कटेरी।